हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, अब राजता का पौधा, यह पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है और जो इस पर फली आती है उससे एक नया पौधा आप उगा सकते हो। अब राजता का पौधा जिसे विष्णु कांता और लक्ष्मी कांता के नाम से जाना जाता है, ये हमारे घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गाइस, जिन बहन भाइयों के पास, मेरी माता बहनों के पास यह पौधा नहीं है, तो इस पौधे को आप लगाएँ। जैसे कि हम समी का पौधा अपने घर में लगाते हैं, अब राजता का भी पौधा आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अब इसकी फूल की बात करेंगे तो गाइस, इस पर फूल नहीं आता, तो इसकी जो ऊपर की पुंकेसर होती हैं उसकी आप कटिंग कर दें। जितनी आप इसकी कटिंग करेंगे इतनी ही आपकी अब राजता पे फूल देगा। अब बात करते हैं इसे ग्रो कैसे करें, तो आपको ध्यान रहे इसमें कोकोपीट, वर्मी कम्पोस्ट और नीम की खली डाल दें। इस प्रकार से आपके अपराजिता पर फूल आएंगे। यह पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं भोले बाबा और शनि को अति प्रिय पौधा होता है। अब बात करते हैं इसकी रख रखाव की, तो आपने देखा होगा यह पौधा सर्दियों में सूख जाता है। इसे क्या कारण है आपका जो पौधा सर्दियों में नहीं सूखे? इसे छाया में रख दें, यह पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। यह पौधा एक औषधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप गूगल पर सर्च मारकर देख सकते हो। अब राजता के पौधे, अब राजता के फूल, जिसे विष्णु कांता, लक्ष्मी कांता के नाम से जाना जाता था, यह पौधा हमारे घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब गाइस, इसे आपको कहां पर लगाना है, तो ध्यान रहे यह पौधा आपको दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। यह क्योंकि बेल दक्षिण दिशा में लगाने से शुभ मानी जाती है, तो यह बेल को भी आप दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर चार और लकड़ी लगा दें, क्योंकि आप इस पर अगर थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं तो सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो इस पर रस्सी बांध दें और आपके अपराजिता पर हमेशा फूल आते रहेंगे। तो गाइस, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।